नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। नेक ग्रेडिंग में एक ग्रेड प्राप्त कर किसान P0G0 कॉलेज रिक्सा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रिक्सा KPC कक्ष में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभयनाथ सिंह एवं समन्वयक संजय कुमार शुक्ल के द्वारा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नेक ग्रेडिंग में ए ग्रेड प्राप्त कर किसान P0G0 कॉलेज का नाम स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में एक कीर्तिमान प्रथम सफलता स्थापित किया है। मैं डॉक्टर अभयनाथ सिंह, प्राचार्य किसान PG कॉलेज। सर, खेल आज एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, नेक के संबंध में आप कुछ बताएंगे? जरूर बताएंगे। वास्तव में नैक जो है UGC द्वारा गठित एक स्वायत्त शासी संस्था इकाई है, और यह जो इकाई है उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। जो भी संस्थान की फैसिलिटियां होती हैं, आधारभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षण अधिगम होता है, उसके बाद किस तरह छात्र छात्राओं को अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों का वो मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन करने के बाद वो ग्रेड निर्धारित करती है, जो अभी हाल ही में हम लोगों के कॉलेज का हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम महाविद्यालय में IPSC का गठन किया गया है, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का, और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं, हमारे बाएं बैठे हुए श्री संजय कुमार शुक्ल, और असिस्टेंट जो समन्वयक हैं श्री अनिल कुमार यादव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि नैक मूल्यांकन कराना, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से पूर्वांचल के क्षेत्र में, एक बहुत ही कठिन कार्य है। और इस पूर्वांचल में विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य जो भी महाविद्यालय नैक ग्रेडिंग कराए हैं तो प्रायः बी ग्रेड तक ही पहुंचे हैं, लेकिन हमारा जो महाविद्यालय है जो ग्रामीण क्षेत्र का है, वो ए ग्रेड प्राप्त किया पहले। एक प्रकार से यह स्वाभाविक पहले प्रयास के ही ए ग्रेड प्राप्त किया है। एक प्रकार से यह प्रदेश के स्वाभाविक पोषित शिक्षण संस्थानों में एक कीर्तिमान स्थान। विद्यालय को जो ए ग्रेड मिला है उसके बारे में एज ए IPSC कोऑर्डिनेटर, मैं संजय कुमार शुक्ल, इस ए ग्रेड में पूरे महाविद्यालय परिवार का योगदान रहा है, प्रबंध तंत्र का, प्राचार्य जी का, IPSC सदस्यगण का, शिक्षकगण का, शिक्षणेतर कर्मचारीगण का, सभी ने मनोयोग पूर्वक कार्य किया है, और सभी के सामूहिक प्रयास का यह नतीजा है जो आज जो परिणाम हमारा दिख रहा है ए ग्रेड के रूप में। इसके लिए हमने IPSC समन्वय के रूप में हमने प्रबंध तंत्र से, प्रबंध तंत्र के जो वर्तमान हमारे प्रबंधक जी हैं, उनसे जिन संसाधनों की भी हमने मांग की है, उसको न केवल उन्होंने ससमय उपलब्ध कराया है, बल्कि और आगे बढ़कर के उसमें गुणवत्ता पूर्व और अधिक गुणवत्ता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण जो संसाधन है या कार्य होने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जो वर्तमान जो अपडेट है उससे हम लोग को अपडेट कराया है, और आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया है, ताकि हम लोग जो नैक के द्वारा जो 7 मानदंड है उसको गुणवत्ता पूर्वक अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया है। इसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। साथ ही हम अपने IPSC जो टीम है उसको भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके सामूहिक प्रयास का, उनके टीम वर्क का परिणाम है। साथ ही हमारे बाहर बैठे हुए लाइब्रेरियन श्री धर्मन जी के, या और भी जो लोग हैं हमारे शिक्षणेतर कर्मचारी जो निचले पायदान पर हैं, उनके भी सामूहिक प्रयास का नतीजा है जो आज हमें ए ग्रेड मिला हुआ है। सर, एक चीज है, ये टीम कहाँ से आती है? ये टीम जो आती है वो टीम के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ।
टीम नैक का जो ऑफिस है वो बंगलोर में है, वहां पर वो सिलेक्टेड जो पूल में टीम होती है, मेंबर्स लोग होते हैं उसमें से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो टीम आती है ऑल इंडिया में से, कहीं से भी टीम मेंबर सिलेक्ट हो सकते हैं। जो हमारी टीम आई थी उसमें से जो चेयरपर्सन थे वो बंगलोर से थे, जो मेंबर कोऑर्डिनेटर थे तमिलनाडु से थे, और जो मेंबर थे वो महाराष्ट्र से थे। सर यही कहा जा सकता है कि मेहनत रंग लाई, सबसे बड़ी बात है महाविद्यालय का जो प्रबंधन, विशेष रूप से जो प्रबंधक जी हैं श्री ललन सिंह, उनका जो सहयोग है और अनवेशी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार हम लोगों ने अपनी तैयारी की है और उसी का प्रतिफल है कि हम लोगों को ए ग्रेड प्राप्त। सर आपसे भी एक अंतिम सवाल है कि ये किन किन बिंदुओं पर जो है जो टीम आई थी इसका निरीक्षण की? सबसे बड़ी बात यह है कि नैक के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 7 मानकों का निर्धारण किया गया। उन मानकों में पहला है शिक्षण अधिगम, छात्राओं की सुविधाएं, महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, आधुनिक ICT उपकरणों का प्रयोग आदि इत्यादि। उन सभी 7 मानदंडों में हम सभी मानदंडों में खरे उतरे। एक और प्राय आपसे यह निवेदन भी करूंगा, जिस मानदंड में हम लोग कम अंक पाए हैं उसका कारण है कि सिर्फ फाइनेंस कॉलेज के शिक्षक को रिसर्च गाइड नहीं बनाया जाता है, और उसी मानदंड में हम लोग सी के लगभग यानी सी ग्रेड के लगभग अंक पाए। सर एक चीज है, जब ये ए ग्रेड की श्रेणी जब आपके विद्यालय को मिला तो आज इसे ए ग्रेड की श्रेणी को आप अन्य संबंधित विद्यालयों के संदेश क्या देना चाहिए? एक प्रकार से ये तो शासन के द्वारा सभी महाविद्यालयों के लिए नियम बना दिया गया है कि सभी महाविद्यालयों को नेक ग्रेडिंग कराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मूल्यांकन हुआ है 5 वर्ष की अवधि के लिए हुआ है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली 5 वर्ष के बाद नए मूल्यांकन करा रहे हैं तो इससे भी हम बेहतर ग्रेड लावें। इसके लिए हम सभी यानी पूरा परिवार आज से भी उसकी तैयारी में जुट गए हैं। मिलता है कि पूर्वांचल में महाविद्यालयों का जो नैक मूल्यांकन है बहुत कम संख्या में है, पश्चिम में या दक्षिण में उधर के कॉलेजों की संख्या अधिक है। तो एक प्रकार से हमने जो नैक मूल्यांकन कराया है विशेष रूप से बलिया जनपद के कॉलेजों के एक प्रेरणा स्रोत होगा और उन्हें एक बेहतर संदेश दिया जाएगा। इसके बाद कौन सा फिर आपके विद्यालय को प्राप्त होगा जिससे उससे क्या विद्यालय को फायदा होगा? विद्यालय को बहुत फायदा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन और प्रशासन की जो नीतियां बन रही हैं, जो गुरुमुक्ति की तरह चारों तरफ महाविद्यालय में, उस पर भी अंकुश लग सकता है। सर आपको विद्यालय के ये ए ग्रेड का जो है कब मालूम हुआ कि हमारा विद्यालय जो है जात परिणाम में निरीक्षण परिणाम में जो है ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? हमें 24 तारीख को यह सूचना मिली है IPSC मेल के माध्यम से, हम लोग को जानकारी मिली। जब ये सूचना मिली तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? हम लोग बिल्कुल जो मेहनत किए थे, हम लोग इतने दिनों से जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, निश्चित रूप से हम लोग भाव विभोर हो गए, हर्षा तिरेक हो गए, और हमें अपार खुशियां मिली है। IQAC समन्वय के रूप में आप अन्य शिक्षण संस्थाओं को नए की तैयारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? IQAC समन्वय के बारे में हमने जहां तक समझा है, जो इतने दिनों तक कार्य किया है, पहले हमको भी लगता था कि नैक बहुत बड़ी चीज़ है और PL टीम आती है तो क्या होगा, लेकिन मैं अन्य शिक्षण संस्थानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो भी है वो टीम वर्क का परिणाम है। आप एक टीम बनाइए अपने संस्थान में और पूरी लगन और मेहनत से कार्य करिए, अपने पर भरोसा रखिए और ग्रेड की चिंता बिल्कुल मत करिए। जो 7 मानदंड है उसके अनुसार आप काम कार्य करिए, और अगर आप बेहतर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर ग्रेड मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।